भारत की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार लगातार जारी है। इसके असर से देसी और विदेशी रिसर्च एजेंसियां भारत की विकास दर के अनुमान में लगातार इजाफा कर रही हैं। बीते हफ्ते आरबीआई और फिर आईसीआरए ने भरोसा जताया कि भारत की विकास दर दूसरी तिमाही में अनुमान से ज्यादा रह सकती है। अब S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2023-24 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। अपने ताजा अनुमान में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। इसके पहले S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मौजूदा कारोबारी साल के लिए 6% विकास दर का अनुमान लगाया था। हालांकि 2024-25 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को इस दिग्गज रिसर्च एजेंसी ने 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी भारत की विकास दर में बढ़ोतरी के लिए घरेलू खपत और यहां पर जारी मोमेंटम को अनुमान बढ़ाने की वजह बताई। जानकारों का मानना है कि देश में जारी मजबूत कंज्यूमर डिमांड विकास दर को बढ़ाने का काम कर रही है। खासकर जिस तरह घर, गाड़ियां और गैजेट्स बिक रहे हैं, उसे देखते हुए माना जा सकता है कि भारतीय ग्राहकों का इकोनॉमी पर भरोसा बरकरार है। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भारत में मार्च 2024 तक ब्याज दरों में 0.1% की कटौती हो सकती है। इसके पहले मॉर्गन स्टेनली ने कहा था कि भारत अगले साल जून तक एशियाई देशों में ब्याज दरों में कटौती करने वाली पहली अर्थव्यवस्था बन सकता है। वैसे तो कटौती का ये आंकड़ा काफी कम नजर आ सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि सेंटीमेंट्स को सुधारने में ये मामूली कटौती बड़ा कमाल कर सकती है। इसके साथ ही एक बार फिर कटौती हो जाती है तो फिर आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, जो बढ़ोतरी के डर को खत्म करके ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान जताया। इन देशों में भी ठोस घरेलू मांग की वजह से मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। वहीं चीन के लिए S&P ग्लोबल ने 2023 में 5.4% और 2024 में 4.6% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। ऐसे में चीन के विकास दर का अगले साल 5% से नीचे आना वहां के लिए एक बुरी खबर है, जो रियल एस्टेट क्राइसिस का असर है। वहीं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के अनुमान की बात करें तो भारत इस साल ग्रोथ के मामले में पहले नंबर पर रहेगा। भारत की इकोनॉमी के इस साल 6.3% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में भारत की रफ्तार सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है। वहीं चीन 5% तक की अनुमानित ग्रोथ कर पाएगा। साथ ही ग्रोथ के मामले में विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा 2.5% से भी नीचे रहेंगे। यानी इकोनॉमी के मामले में भारत ही सबसे ऊपर रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।